बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आपका अपना आसिफ रज़ा और मेरे चैनल का नाम है रज़ा पेट लवर। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है और बेल का बटन लाजमी दबाना है। और आज का प्रोग्राम है हमारा रहमान भाई की तरफ जाने का और वहां पे तो उसने डॉग रखे हुए हैं घर में। हम आपको डॉग दिखाएंगे और उनका एक फार्म है वहाँ पर उन्होंने एक घोड़ा भी रखा हुआ है और मुर्गे हैं सील मियाँ वाली के वो भी दिखाएंगे और बकरियां भी हैं उनसे वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ रहमान भाई की तरफ चलते हैं जी, घर में जाते हैं और फार्म पे जाते हैं, वहाँ पे नाज़िम आपको दिखाएंगे। ठीक है सर, चले भी। हम रहमान भाई के घर आ गए हैं। आप उनके फार्म पे जाएंगे और उनके घर आए हैं, उनके घर में डॉग हैं वो भी देखेंगे और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। नाजरीन आए, नाजरीन रहमान भाई आ गए जी। अब हम ऊपर जाएंगे, घर के दो डॉग देखेंगे, उसके बाद हम इनके फार्म पे भी जाएंगे और वहाँ पे नाज़रीन आपको दिखाएंगे डॉग और साथ फार्म पे जो भी है मुर्गियाँ भी हैं इनके पास और भैंसें भी हैं, घोड़ी भी है और सब देखेंगे और आपको भी नाज़रीन दिखाएंगे। आए रहमान भाई के डॉग देखते हैं जी। अब हम उनके जो केज बने हैं उनके निकाल के आपको डॉग दिखाते हैं जी। ये रॉटवाइलर है चंद भाई, इसको इसकी एज कितनी है? दो साल। तो इसकी खुराक क्या है, सुबह के टाइम और शाम को क्या दे रहे हैं? डॉक्टर साहब इसको सिर्फ दही देते हैं। वेरी गुड। वो रात के टाइम इसको मटन और अच्छा रोटी वगैरह डाल के या कभी राइस वगैरह डाल देते हैं। बहुत सही। तो इसके अलावा आप इसकी ब्रीड भी ली अभी? जी डॉक्टर साहब 3 से 4 दफ़ा ब्रीड ली है अभी। फीमेल मेरे पास नहीं है, वो मैंने डेली सेल कर दी थी। अच्छा, अभी सिर्फ मेल ही है। वेरी गुड, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेना नहीं। तो कोई शो इसको खिलाया गया डेली? नहीं डॉक्टर, शो पे टाइम ही नहीं है इतना, शो नहीं खिलाया। आपने सिर्फ इसकी ब्रीड ली है? ब्रीड ली है। वैसे है डिग्री, शो पे जा सकता है। ओहो, कभी लेके गए नहीं। वेरी नाइस। ये इसको भी जरा पकड़ेंगे अपना अगना। पिटबुल? जी ये पिटबुल है। मेल है? जी ये भी मेल। वेरी गुड। देखेंगे आए, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मेल। तो इसकी भी आपने ब्रीड ली है? जी डॉक्टर साहब इसकी भी ब्रीड ली। इसके साथ की जो फीमेल थी वो कहाँ चली गई? वो एक्सपायर हो गई। सही। तो इसकी खुराक क्या दे रहे हैं खुराक में? इसको भी सेम खुराक दे रहे हैं। सुबह के टाइम दही दे रहे हैं? दही दे रहे हैं और शाम के टाइम मटन और रोटी वगैरह। अच्छा जी, राइस तो और साथ कीमा दे रहे हैं। वेरी गुड। तो इसके अलावा हो है डॉग कोई आपके पास? जी है, मतलब फार्म पे है। ये जनाब हम अभी थोड़ी देर के बाद अपना रहमान भाई के फार्म पे चलते हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं जी। उनके फार्म पे घोड़े भी हैं और साथ भैंसे भी हैं, डॉग भी है और डॉग भी है जी, वो भी आपको वहाँ जाके नाजरीन दिखाते हैं। चले जी नाजरीन, हमने आपको रहमान भाई के घर में जो डॉग रखे थे उन्होंने वो आपको दिखाए, पिटबुल दिखाया और आपको रॉटवाइलर दिखाया। और अब हम उनके फार्म पे जाके देखते हैं, खूबसूरत किस्म की मुर्गियाँ हैं उनके पास और भैंसे हैं और साथ घोड़े भी हैं उनके पास, वो भी आपको दिखाएंगे। आए चले।
दिन हम रहमान भाई के फार्म पे आ चुके हैं, अब हम आपको बछड़ी दिखाते हैं जी। और आए ना व्यास भाई देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। इसकी एज कितनी अपना रहमान भाई? ये 6 माह हो गए डर साहब। जबरदस्त लकी लकी। ते वो इसकी माँ और इसका बाप किधर गया जी? घोड़ा और घोड़ी किधर गए बड़े? वो मुलाजम ले गया जी बाहर, मुलाजम रोड पे ले गया। वेरी गुड। ये रहमान भाई अपना ये बकरियां भी रखी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारी है बकरियां। ये कौन से? ये रावी की है डॉक्टर साहब, रावी की है ये बकरियां भी। ये इसका ही बच्चा है जी? ये भी इसका ही है, वो भी इसका ही बच्चा है। वो पहली ब्रीड से ये दूसरी ब्रीड से। तो ये भैंस जी, भैंस कौन सी ब्रीड की है जी? ये नीली रावी की है जी। नीली रावी ये भी ब्रीड है। अच्छा सर, वेरी गुड। ये बच्चा इसका ही है? बच्चा जी इसका ही है। कट्टा की कट्टी है? कट्टी है ये, कट्टी है। वेरी गुड। ये गाय अपना कब सुई है जी? ये 2 दिन हो गए हैं। दो दिन हो गए जी। ये साहिबाल और बलैती क्रॉस में, ये साहिबाल और बलैती का क्रॉस है। इसकी एवरेज क्या दूध की जी सुबह और शाम? ये तकरीबन 12 किलो दूध दे रही है जी दोनों टाइम का। दोनों में 6 केजी सुबह 6। अभी तो शुरुआत है ना, इंशाल्लाह ये ज्यादा करेगी, ये 15-16 किलो। इसकी क्या एवरेज है? ये तकरीबन 8 किलो दूध दे रही है अभी। 4 केजी सुबह 4 शाम। जबरदस्त। आए जी जनाब, इधर फार्म पे ये डॉग रखा हुआ है, बड़ा डेंजरस डॉग है जी। ये स्कूटी करी इन्होंने रखा हुआ जी, क्या बात है। शुरू इसको क्या डालते हैं? इसको भी कीमा डालते हैं। अच्छा वेरी गुड। वो रोटी वगैरह डालते हैं, कीमा और रोटी खा रहा जी रोज। कीमा कितना दे रहे जी? किलो कीमा डेली का 1 किलो कीमा दे रहे जी। बंदे को मिलने मिले इसको मिल रहा है बर्न। तो और इसके अलावा बहुत खूबसूरत मुर्गियां रखी हुई जी। ये अपना कौन सी अपना? ये मियांवाली ब्रीड है जी, असील बर्ड है। असील बर्ड, वेरी गुड। ओहो ये भी 4 माह का है। ब्यूटीफुल यार, इसके माँ बाप भी आपको ये अपना रहमान भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये मियां वाले की है। ये सारी मियां वाले की वेरी ब्रीड एक ही रखी हुई है माशाल्लाह। ब्रीड एक ही है आपके पास? ये नाला है, ये माफी है। ये भी डॉक्टर साहब मियां वाले की है। ये भाई है दोनों ही? दोनों भाई है जी जी। जबरदस्त मियां वाली की जी। अभी ये मियां वाली ब्रीड है जी, मुकम्मल जबरदस्त और अच्छे फाइटर। क्या बात है, वेरी नाइस यार। रहमान भाई आपने तो कमाल कर दिया यार। रहमान भाई ये भी अपना मियां वाले की ब्रीड है? डॉक्टर साहब सारी मियां वाले की है। और ये माशाल्लाह साल का फादर है, बड़ा अच्छा जी। ये सात साल का मुर्गा है जी, 7 साल का मुर्गा जी। और ये सब जितने भी आपको मैंने दिखाए हैं सब का ये बाप कह ले जी, उनके मतलब के बड़ा जानवर मुर्गा है 7 साल का। तो इसको अपना क्या खुराक क्या दे रहे हैं इनको? ये घर का ही हम दाना तैयार करते हैं, ये बाजरा कनक अच्छा मकई वगैरह डाल के ना, काले चने वगैरह, कोई बादाम शाम कोई बादाम। डॉक्टर साहब सर्दी को देते हैं, गर्मी को? अच्छा सर्दियों को देते हैं, गर्मियों को? गर्मियों को फिर ज्यादा। सर्दियों में क्या देते हैं, गर्मियों में क्या देते हैं? गर्मियों में तो यही है ना कि आप मिक्स दाना डालें जी जी, बाजरा वगैरह मकई वगैरह, और सर्दियों का बादाम वगैरह या पिस्ता वगैरह। अच्छा सही सही, वो डालते हैं क्योंकि फिर सर्दियों का सीजन आता जाता है ना फाइट वगैरह का। सही बात सही बात, वेरी गुड। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुर्गी है आपके, वो बड़ा मजा आया देख के जी। थैंक यू डॉक्टर साहब।